अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर और आप देख रहे हैं कश्मीरी फूड। आज मैं आपको शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी बताऊंगी, तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें अब अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शाही टुकड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं उसका शुगर सिरप बनाऊँगी। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप पानी, उसमें मैं 1 कप चीनी डाल दूँगी और थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दूंगी थोड़ा सा। और इसको मैं शुगर सिरप हल होने तक, बॉयल आने तक पकाऊंगी और फिर मैं इसको निकाल लूंगी एक बॉल में। शीरा हमारा तैयार हो गया था और उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हम मैं शाही टुकड़ों के लिए जो रबड़ी तैयार होगी वो तैयार करूँगी। 3 कप दूध के ले लिया है मैंने और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क के। आप चाहें तो चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है। और मैं डालूँगी इसमें 1/2 कप खोया, ये होममेड खोया है और ये मैं एक दफ़ा बना चुकी हूँ। रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इन सब चीज़ों को मैंने इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा थिक, जब दूध होने लगेगा इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होगी और ये थिक होने लगेगा तो मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना, बस लाइट सा थिक करना है और जो साइड से लगेगा वापस मैं इसको बीच में कर लूँगी। ब्रेड के मैंने 6 स्लाइसेस लिए थे, इनके साइड्स को मैंने कट लगा लिया था और बीच से इनको कट करके 2 पीसेस में काट लिया था। और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राइंग पैन में मैंने ऑयल डाला था, अब मैं इनको मैं फ्राई करूँगी। फ्लेम चूल्हे का कम है और मैंने इनको गोल्डन ब्राउन करना है, बिल्कुल भी तेज़ आंच पे नहीं पकाना इनको, जस्ट गोल्डन ब्राउन कलर देना है दोनों साइडों से। फ्लेम बिल्कुल स्लो होना चाहिए। रबड़ी हमारी थोड़ी सी थिक हो गई है, बहुत ज़्यादा थिक हमने नहीं रखना क्योंकि ये जो इसका मिल्क होगा वो जो ब्रेड होती है जो फ्राई होती है वो एब्ज़ॉर्ब करते हैं, तो ही इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अगर हम बहुत ज़्यादा थिक लेंगे तो वो एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो फिर उसका टेस्ट वो शाही टुकड़ों वाला नहीं आएगा। अब ये तैयार हो गई है और मैं इसको एक ट्रे में निकाल के, एक बॉल में निकाल के मैं इसको ठंडा कर लूँगी। स्लाइसिस को मैंने फ्राई कर लिया था, ये देखें इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर है इनका और बहुत स्लो हीट पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि ये जल ना जाए। रबड़ी जो थी वो बना के मैंने ठंडी कर ली है, अब मैं इनको सर्विंग डिश में सजाऊंगी। मैं शीरे में इनको डिप करूंगी, डिप करके ट्रे में रखती जाऊँगी। आपने ये इस बात का ध्यान रखना है कि स्लाइसेस को आपने ठंडा करने के बाद उसके बाद ये डिप करना है। अगर आप गरम गरम करेंगे डिप इस शीरे में तो ये बिल्कुल ही नरम पड़ जाएंगे। अब ये बिल्कुल हार्ड हुए हैं तो ये ठंडे करके मैं इसके बाद शीरे में डिप कर रही हूँ और डिप करके छोड़ नहीं देना इनको। इस तरीके से मैं सारी लगा लूँगी। अब मैं इसके ऊपर ये रबड़ी डालूंगी जो मैंने बनाई है। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं कस्टर्ड लाइट सा बना के डाल सकते हैं, या फिर आप कॉर्नफ्लोर का लाइट सा पेस्ट बना के कर सकते हैं, डाल सकते हैं इनके ऊपर। जस्ट मिल्क पाउडर से भी दूध को घना करके इस पर वो डालते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये। इस तरीके से सारे मैं डालूँगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है रखना आपने, ये गार्निश करूँगी मैं पिस्ता और बादाम से और ये हमारे रेडी हैं।
जी व्यूवर्स, मज़ेदार से शाही टुकड़े तैयार हैं। उम्मीद है आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।